नमस्कार बच्चों, आज हम पेज नंबर 15 से बिंदु नंबर 7 मुहरें लिपि तथा बाट पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु नंबर 7.1 मुहरें और मुद्रांकन। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आखिर मुहरें और मुद्रांकन का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहरें और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। साथ ही मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। मतलब सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशंस एंड द सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है, इसे हमें पढ़ना है। मान लीजिए सामान से भरा एक बैग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। उसका मुंह रस्सी से बांधा और उस पर गांठ लगाकर थोड़ी गीली मिट्टी जमा करके और उसे मोहर से दबा दिया गया, जिससे मिट्टी पर मोहर की जो छाप थी वो पड़ गई। यदि इस थैले के अपने स्थान पर पहुंचने से पहले किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है तो उसका पता लग जाता है। तो थैले के साथ यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है तो इससे ये पता चलता है कि भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक के बीच में बैग पूरी तरह से सुरक्षित था, उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा प्रेषक की पहचान का पता लगाने के लिए मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग होता था। वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। What were the use of seals and sealings? Seals and sealings were used to facilitate long distances communications, and the sealing also conveyed the identity of the sender. यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र 1.22, इसमें ये मिट्टी पर जो निशान दिखाई दे रहे हैं ये एक प्रकार की सीलिंग है, और इस सीलिंग से ही पता चलता है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर वस्तु के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। यदि ये सील खराब स्थिति में मिलती है, टूटी हुई मिलती है, तो ये माना जाएगा रास्ते में कहीं कहीं इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। दूसरा बिंदु है एक रहस्यमय लिपि, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। इसे पढ़ने से पहले लिपि क्या है, स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, ये भी समझना चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब है ए सिस्टम ऑफ राइटिंग। जिस तरीके से लिखा जाता है वह लिपि कहलाती है, लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने सुझाव भी दिया है कि इस पर जो चित्र बने हैं, आमतौर पर किसी जानवर का जो चित्र है, वो किसी संकेत रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप में इसका अर्थ बताता होगा। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं क्या है। तो अब जो आप आगे पढ़ेंगे ये सब उसके अंदर लिखा जा सकता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है कि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितने चिन्ह थे, तो यहाँ पर 375 से 400 के बीच इसके चिन्हों का अनुमान लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। यह ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि किस तरह लिखी जाती थी, किधर से लिखी जाती थी। तो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई ओर चौड़ा अंतराल है और बाई ओर थोड़ा संकरा है। इससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाई ओर से लिखना आरंभ किया होगा और बाद में बाई ओर का स्थान कम पड़ गया होगा। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताता है। यहाँ से आप इस प्रश्न को पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्योंकि अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भी देखते हैं जिन पर लिखावटें मिली हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, मर्तबानों के अवट हैं, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हैं, आभूषण हैं, अस्थि छड़े हैं, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट भी है। हो सकता है कि कुछ वस्तुएं जो नष्ट हो गई हैं उन पर भी लिखा गया हो।
इससे ये अर्थ लगाया जा सकता है कि उस समय साक्षरता काफ़ी व्यापक रही होगी। इसी को यदि हम अंग्रेजी में समझें तो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल एज इट हैड जस्ट टू मैनी साइंस, समवेयर बिटवीन 375 टू 400। It is apparent that the script was written from right to left. As I told, there are 2-3 questions that you have to remember always. As some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver begin working from the right and then run out of space. Consider the variety of objects. Now you have to know the variety of objects on which writing has been found. कौन कौन से जो वस्तुएं थी जिन पर लिखावट मिली है। So there were the objects that is seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboards also has this kind of script. Remember, there may have been writing on perishable materials too. It means, could this mean that literacy was widespread? This is still a question. Now the next point is 7.3, weights, बांट, विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। It means exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert and generally cubical with no markings. ये जो बांट थे ये सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। ध्यान रहे ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे। उत्तर लिखना है चर्ट नामक पत्थर से। ये किस आकार के होते थे तो ये घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 12,800 तक थे जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है, हड़प्पाई बांटों की विशेषताएं बताइए। आपको ये पूरे पैराग्राफ से ये उत्तर लिखना होगा। इसको यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। एक्सचेंजेज वर रेगुलेटेड बाई ए प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग्स। फिगर 1.2 वी कैन सी द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी 1 to 4, 8, 16, 32, etc. up to 12,800. While the higher denominations followed the decimal system, the smaller weights were probably used for bagging jewelry or and beads. Metal scale bands have also been found. So these are the features of the Harappan weights. So you have to see now figure 1.2. Now you see this page, figure 1.2. Here the weights are shown. ये क्यूबिकल फॉर्म है, घनाकार बने हुए हैं और चर्ट नामक पत्थर के बनाए हुए बाट हैं। इनका प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के काम में किया जाता था। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हड़प्पाई बाटों की क्या क्या विशेषताएं थी। ध्यान रहे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ साथ आप पेज नंबर 15 पर जब मोहरे, लिपि और बाट पढ़ेंगे तो अपने आप में प्रत्येक बिंदु एक प्रश्न है, साथ में उसका उत्तर दिया हुआ है। इन सभी को आप ध्यान रखेंगे ताकि परीक्षा में आवश्यकता पड़ने पर आप इसका ठीक प्रकार से उत्तर लिख पाएं। आइए अब अगले बिंदु नंबर 8, प्राचीन सत्ता के बारे में समझते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के आधार पर
हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ले लें तो हमें मोहरों, बांटों तथा ईंटों से स्पष्ट पता चलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने ये भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था। प्रश्न ये है कि इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? क्या कोई ऐसी व्यवस्था थी जो इन सारे कार्यों को देखता था, इन सारे क्रियाकलापों को अंजाम तक पहुंचाता था? इसे समझने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा प्रासाद तथा शासक। यहाँ प्रासाद का मतलब महल है। इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपको आगे समझ में आएगा कि आखिर में हड़प्पाई सभ्यता में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर सत्ता का क्या माहौल था। ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये फिगर 1.23, एक पुरोहित राजा का चित्र यहाँ पर दिखाई दिया है, जो आप देख पा रहे हैं। राजा के यहाँ दाढ़ी बड़ी हुई है, ये भी आप देख पा रहे हैं। प्राचीन सत्ता में प्रासाद तथा शासक, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई बहुत अच्छा उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर भी पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति मिली है, उसको इन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है और ये नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और ये समानता इन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र में भी ढूंढ ली है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो अनुष्ठानिक प्रथाएं हैं वो अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं। नहीं यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कहने का मतलब यह है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राजनीतिक सत्ता किसके पास होती थी और किस प्रकार से संचालित की जाती थी। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति एक ही जैसी थी। ये कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि वहाँ पर शासक नहीं थे और सभी की स्थिति एक ही जैसी थी। दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक हुआ करते थे, अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं में दिखाया गया है, और इनका मानना यह है कि ये पूरी तरह से एक ही राज्य था। नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों और ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। तो अभी तक इस स्थिति में ये ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है कि ये एक ही राज्य था और ये विस्तृत रूप से फैला हुआ था, तो इस स्थिति में अंतिम कल्पना जो है वो ज़्यादा युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लेकर कार्यान्वित किए जाते होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सत्ता कैसी रही होगी, इसके लिए पुरातत्वविदों में मतभेद है, और पुरातत्वविदों में मतभेद होने के कारण यहाँ पर तीन प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं। संभवतः यहाँ कोई राजा होता ही नहीं था, हो सकता है यहाँ एक से अधिक राजा हो, या हो सकता है ये पूरा एक ही साम्राज्य हो, एक ही राज्य हो, एक ही सत्ता सब जगह पर कार्य करती हो। आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता का अंत विषय पर प्रकाश डालें। ऐसा अनुमान है कि 1800 ईस्वी पूर्व तक बहुत से विकसित हड़प्पा स्थलों को लोगों ने छोड़ दिया होगा और गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी होगी। पुरातत्वविदों का ये मानना है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे और उन परिवर्तनों के चलते संभवतः सभ्यता का अंत हुआ होगा। ऐसे कुछ परिवर्तनों में हम पढ़ सकते हैं जैसे कि कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की संस्कृति में बदलाव आया होगा, जैसे विशिष्ट वस्तुओं
बांटों मोहरों विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन लंबी दूरी का व्यापार शिल्प सेक्टर का समाप्त हो जाना, थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग लिया जाता होगा, या आवास निर्माण की तकनीकों का पतन हुआ होगा, बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया होगा। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। और इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के चलते ही सभ्यता का पतन हुआ होगा। यदि हम इनको बिंदुवार समझने की का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि कुछ विशेष कारण हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता के पतन को देखा जा सकता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इस विषय में कई मान्यताएं, कई सारे कारण बताए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों द्वारा मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित हैं। इनमें ये जो कारण हैं, इनमें से सभी कारण इस पर लागू होते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी when we talk about the end of the civilization, several explanations have been put forward. These range from climatic change, deforestation, excessive floods, the shifting and or drying up of rivers, to overuse of the landscape. These are some reasons which may be responsible for the end of the civilization. See, there is evidence that by circa 1800 BC, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana, and western Uttar Pradesh. So this is the important question for exam purpose also, that mention the causes of the end of the Harappan civilization, or what were the reasons of the end of the Harappan civilization. So you have to write these answers. After this point, we will discuss about the point number 10, discovering the Harappan civilization, in next session.